कराची में हवाओं का रुख तब्दील होते ही एक नए वायरस का इजाफा भी हो गया है। रजिस्ट्रार जिना अस्पताल डॉक्टर हलार शेख के मुताबिक मौसम की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस में भी इजाफा हो जाता है। कराची में भी मौसम की तब्दीली के साथ एडिनो नामी वायरस का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर हलार शेख ने बताया कि कराची में मौसम की तब्दीली के साथ ही एडिनो नामी वायरस का फैलाव सामने आया है। वायरस से उमूमन नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार की कैफियत होती है। वायरस से मुतासर शख्स 2 से 3 दिन मुकम्मल आराम करे तो वो सेहतयाब हो जाता है। इस वायरस से खास तौर पर बुजुर्ग, दमा और डायबिटीज के मरीज एहतियात करें। ये वायरस गजाइत की कमी और एहतियात ना करने से ज़्यादा बढ़ जाती है। एडिनो नामी इन्फेक्शन के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए। ऐसे मौसम में बाहर के खानों से भी एहतियात की जाए।